Morning everyone, this is Mayank with you guys with the chapter of verbs. In this class, I'm gonna explain you the two types of verbs, that is transitive and intransitive. In the previous classes, I explained about subject and object and its uses. In this class, I'm gonna explain you about two types of verbs, that is transitive and intransitive. Transitive and intransitive. Transitive verb. Verb that possesses object. वैसे verb जिनमें object होता है. A verb that needs an object to complete its meaning. वैसे verbs जिनमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है उसके पूरे मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, दैट आर ट्रांजिटिव वर्ब्स. वर्ब्स दैट नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग. ऐसे वर्ब को क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब. वर्ब दैट नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग. अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब. इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जो मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी दिया था आपको. ही ऑफर्ड फूड टू द बेगर. ही ऑफर्ड फूड टू द बेगर. उसने भिखारी को खाना ऑफर किया. ही ये सब्जेक्ट है, नो डाउट. दिस इज द वर्ब, क्लियर है? ही वर्ब ऑफर इज द वर्ब. फूड टू द बेगर ऑब्जेक्ट. फूड इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट, टू द बेगर इज ऑल्सो द ऑब्जेक्ट. वेदर इट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन हमको अभी पता लगाना है कि ये ऑब्जेक्ट है. तो इस सेंटेंस में ही ऑफर फूड अगर हम बोलते हैं तो ये अपने आप एक मीनिंग देता है, उसने खाना दिया. बट दिस मीनिंग इज नॉट कंप्लीट. यह मीनिंग कंप्लीट नहीं, किसे दिया, कब दिया, क्यों दिया, ठीक है? तो जब हम लोग इसमें जोड़ते हैं टू द बेगर, देन इट कंप्लीट इट्स मीनिंग कि उसने भिखारी को खाना दिया, क्लियर? एक और एग्जांपल देखिए. दे प्लेड क्रिकेट. दे प्लेड क्रिकेट. उन्होंने वे क्रिकेट खेले, या उन्होंने क्रिकेट खेला. दे द सब्जेक्ट कुछ भी खेला होगा उन्होंने, बट इट इज नॉट अ कम्प्लीट सेंस, ठीक है? जब हम लिखते हैं प्ले क्रिकेट या चेस, क्रिकेट चेस कोई भी गेम लिख लिया, हॉकी, तो ये कम्प्लीट सेंस देता है कि उन्होंने ये पार्टिकुलर गेम खेला. दिस इज ऑब्जेक्ट, क्लियर है? तो दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस कम्स इन द ट्रांजिटिव वर्ब. ये वर्ब जो कल आएंगे आपके ऑफर्ड प्लेट आर ट्रांजिटिव वर्ब बिकॉज इट हैज एन ऑब्जेक्ट एंड विद द हेल्प ऑफ द ऑब्जेक्ट इट गिव्स अ कंप्लीट सेंस. दिस इज ट्रांजिटिव वर्ब. नाउ कम टू सेकेंड पार्ट, दैट इज इंट्रांजिटिव. इंट्रांजिटिव वर्ब वैसे वर्ब, वर्ब्स दैट डज डोंट डू नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट. वैसे वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है क्या कहलाते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब. टू कंप्लीट इट्स सेंस. ट्रांजिटिव क्या था कि उसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है अपने सेंस को कंप्लीट. द बॉय स्माइल. द बॉय स्माइल. द बॉय स्माइल. दिस इज सब्जेक्ट एंड दिस इज वर्ब. This is a complete sentence in itself. The verb, the boy smiled. बच्चा लड़का हंसा. Complete अपना sentence. ठीक है? एक और example देखिए. The machine is not working. The machine is not working. The machine is not working. Machine काम नहीं कर रहा है. Machine काम नहीं कर रहा है. Machine is the subject. And working is the verb. It do not have any, it doesn't have any object. Although
इट गिव्स अ क्लियर सेंस द मशीन इज नॉट वर्किंग, मशीन प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है. इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है फिर भी ये कंप्लीट सेंस दे रहा है. सो इट इज इंट्रांजिटिव वर्ब. दीज आर द टू काइंड्स ऑफ वर्ब्स वी हैव टू रीड इन दिस चैप्टर, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव. दैट्स ऑल फॉर टुडे. इन नेक्स्ट क्लास आई एम गोना एक्सप्लेन सम न्यू लेसन ऑफ फ्रेश टॉपिक. टिल देन स्टे इन होम, स्टे सेफ. थैंक यू.